इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आपने किसी बच्चे की जो एक्सेस है उसके स्टूडेंट पोर्टल की, वो अगर ब्लॉक करनी हो। ये नॉर्मली उस केस में होता है कि किसी बच्चे ने, किसी बच्चे के पेरेंट्स ने फी नहीं जमा कराई, तो उस केस में आपने अगर उनकी एक्सेस या किसी और रीजन की वजह से उनकी एक्सेस ब्लॉक करनी हो तो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये लेफ्ट साइड पे जो स्टूडेंट्स का बटन है इसको क्लिक करेंगे। ये आपको नेक्स्ट विंडो पे ले आएगा जहाँ पे नॉर्मली सारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी कार्ड्स आ रहे होते हैं, उसमें आप लेट्स सपोज जो क्लास है उस बच्चे की वो सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज क्लास 2 सेक्शन ए में मैं जाता हूँ, तो ये मुझे 2 सेक्शन ए के क्लास 2 के बच्चों की ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। और इसमें लेट्स सपोज मैं इस बच्चे को मैंने अगर एक्सेस की मैंने ब्लॉक करनी है, तो ये आपको एक ऑरेंज बटन नजर आएगा मोर का, उस पर क्लिक करें, ब्लॉक एक्सेस करें। वह सिस्टम आपसे परमिशन लेगा फाइनल, और आप जब इसको ओके करेंगे तो इसकी जो एक्सेस है वो ब्लॉक हो जाएगी। और इस बच्चे की प्रोफाइल पे भी ये देखें, ये मेंशन हो गया है कि ब्लॉक, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह ही अगर आपने इसको अनब्लॉक करना हो, जब वो ऑब्वियसली जब वो फी पे कर दें, तो आप इसी तरह मोर के ऑप्शन में जाएंगे और ओपन एक्सेस करेंगे, क्लिक करेंगे, सिस्टम उसी तरह ही आपसे दोबारा परमिशन लेगा और उस बच्चे की जो एक्सेस है वो उसको दोबारा हो जाएगी। थैंक यू।